नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyayurved.com के आज के YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों डिस्कस करने से पहले जल्दी से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या है और इसमें आयुर्वेद का क्या योगदान है। दोस्तों आज का ये प्रयोग हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जिन लोगों को डॉक्टर सलाह दे चुके होते हैं ये उनके लिए है। और दोस्तों ये आज की इन्फॉर्मेशन हम श्री ओम प्रकाश सिंह जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिनसे हमें मिली है, और हम श्री ओम प्रकाश जी को बधाई भी देना चाहते हैं क्योंकि जैसा कि उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि डॉक्टर उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कह चुके थे और उनकी यहाँ तक कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बातचीत भी चल रही थी डॉक्टर्स के साथ में। और दोस्तों ये सन 2009 की बात है, तो बड़ी सौभाग्य से श्री ओम प्रकाश जी को कोई सज्जन डॉक्टर मिले जिन्होंने के जो नुस्खा आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो उनको बताया, और उन्होंने जब करके देखा तो उनको इसमें काफ़ी राहत महसूस हुई और आज श्री ओम प्रकाश जी काफ़ी स्वस्थ हैं और उनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों आज वही नुस्खा हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर कोई ऐसे केस हैं जिनको भी डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कह चुके हैं तो वो एक बार किडनी ट्रांसप्लांट कराने से पहले इस नुस्खे को जरूर आजमा के देखें, तो भगवान ने चाहा तो शायद उनको इससे राहत मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट करवाना कोई खेल नहीं है, ये काफ़ी महंगा होता है और काफ़ी क्रिटिकल प्रोसेस है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं आज का ये प्रयोग क्या है, इसको कैसे करना है और इसके क्या फायदे हैं। दोस्तों इसके लिए हमें एक काढ़ा बनाना होगा और इसमें जो सामग्री की जरूरत है वो आप देख लीजिए, 250 ग्राम गोखरू कांटा कहते हैं इसे, ये आपको किसी भी पंसारी के पास मिल जाएगा। 250 ग्राम गोखरू लेकर के ये पीले रंग का होना चाहिए दोस्तों, मतलब के ग्रीन ना हो, येलो हो, और इसको लेकर के 4 लीटर पानी में उबालिए। और जब पानी 1 लीटर शेष रह जाए उबलते उबलते तो पानी को छान कर एक बोतल में रख लें और कांटे निकालकर फेंक दें। इस काढ़े को सुबह शाम खाली पेट हल्का सा गुनगुना करके 100 ग्राम के करीब रोज पिएं। शाम को खाली पेट का मतलब है दोपहर के भोजन के 5-6 घंटे बाद। काढ़ा पीने के 1 घंटे के बाद ही कुछ खा सकते हैं और अपने जो आपकी पहले की दवाई है और खान पान जो है रूटीन आपका उसको जो एज इट इज जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही रहने दीजिए, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों 15 दिन के अंदर यदि आपको कोई अभूतपूर्व परिवर्तन महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह लेकर आप दवा बंद कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके अंदर सुधार होगा काढ़े की मात्रा कम कर सकते हैं और 1-2 बार की बजाय 1 बार भी कर सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ट्रांसप्लांट का विचार आप त्याग देंगे और जैसा कि श्री ओम प्रकाश जी के साथ हुआ, क्योंकि आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये ओम प्रकाश जी का अनुभव जो है नवभारत टाइम्स में भी छप चुका है, जिसके बाद इन्होंने बहुत सारे लोगों की, इनके अनुसार करीब 300-400 लोगों की हेल्प की है और इन्होंने उनको भी इस काढ़े के बारे में बताया है और 90% से ज्यादा लोगों को इसमें राहत देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर आप भी प्रयोग करना चाहें तो निश्चित कर लीजिए कि जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया है इस प्रयोग को इसी हिसाब से करें, इसमें कोई चेंजेस ना करें। और कोई शंका हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको निश्चित रूप से इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपको आराम मिलता है तो आप और जो अपने भाई बहन हैं उनको भी इसके बारे में बताएं ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। और दोस्तों एक कुछ विशेष बातें इसमें जानने योग्य हैं कि जो गोखरू आपने लेने हैं छोटे गोखरू, ये पीले रंग के होने चाहिए, 250 ग्राम होने चाहिए, और इनको उबालने से पहले धूल मिट्टी कंकर आदि साफ कर लें और 2 बार पानी में से निकाल लें ताकि इसमें से मिट्टी वगैरह निकल जाए, और उसके बाद 4 लीटर पानी में धीमी आंच पर पकाना है और जब 1 लीटर रह जाए तो उसे छान कर कांच की बोतल में रखकर उसका सेवन करना है और इसमें फ्रिज में रख के रखना है। तो दोस्तों आइए इसको बनाने की विधि देख लेते हैं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हमने ये बना के देखा है तो देख लेते हैं कैसे बनता है। तो दोस्तों आइए प्रिपरेशन शुरू करते हैं।
ये सबसे पहले आपके सामने जो दो चीजें हैं, एक तो ये आप देख सकते हैं, हमने एक बर्तन में 4 लीटर पानी ले लिया है दोस्तों, 4 लीटर है ये पानी। और ये आप देख सकते हैं ये गोखरू है, जैसा कि आपको बताया था येलोइश कलर में होने चाहिए गोखरू, कांटे वाले गोखरू वहीं इसके इसके ऊपर कांटे होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। ये गोखरू की मात्रा दोस्तों 250 ग्राम है, 250 ग्राम। और ये गोखरू हम काढ़ा बनाने के लिए यूज करेंगे। ये सारे के सारे गोखरू और ये पानी, 4 लीटर पानी और 250 ग्राम गोखरू आपने एक ही बार में यूज करने हैं। तो दोस्तों ये गर्म पानी होने को रख दिया है, जो 4 लीटर पानी था बर्तन को गैस पर रख दिया गया है और ये पानी अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है। इसमें 250 ग्राम गोखरू डाल देने हैं, आप देख सकते हैं इसमें सारे गोखरू डाल दिए। और गोखरू को जैसा कि इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है आपने पहले साफ कर लेना है, इसमें कोई धूल मिट्टी कंकर आदि ना हो, और इसको वॉश कर लेना है 2 बार ताकि अच्छी तरह से साफ हो जाए, कोई गंदगी ना रहे। और दोस्तों इसको उबलने के लिए छोड़ दिए, ये 4 लीटर पानी है तो कुछ टाइम लेगा उबलने में, इनको अच्छी तरह से मिक्स करके और गैस की आंच पूरी तेज करके आप इसको छोड़ दें। दोस्तों कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि ये उबल चुका है और पानी भी काफी कम हो गया है। तो पानी दोस्तों जो 4 लीटर हमने लिया था वो उबलने के बाद जो है स्टीम निकलने के बाद करीब 1 लीटर बचना चाहिए, तो अभी करीब 1 लीटर के आसपास पानी बच गया है। इसे हमने दोस्तों एक छलनी की सहायता से छान लिया है जिससे कि गोखरू के कांटे यानी कि गोखरू और पानी अलग अलग हो जाएंगे। ये पानी जो 1 लीटर के आसपास शेष बचा है इसको आपने कंज्यूम करना है। ये कांटे जो बचे हैं आपने छाने हैं, इनको आप फेंक सकते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये पानी हमने जो छाना है इसको आपने कंज्यूम करना है, यही हमारे काम की चीज है जो काढ़ा हमें जरूरत है। तो इसको आप किसी बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं, कांच की बोतल में, और फ्रिज में रख सकते हैं इसको, और जैसा कि इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये प्रॉब्लम है और आयुर्वेद में इसका क्या सॉल्यूशन दिया गया है। दोस्तों मैं हम उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रिपरेशन जरूर करके देखेंगे, ये नुस्खा जरूर अपना के देखेंगे, और हमें विश्वास है कि आपको इसका जो है बेनिफिट भी जरूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलेंगे शीघ्र एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।